स्मूथ स्टोन और स्मूथ स्टोन स्लैब्स कौन से भी ले सकते हो, मतलब स्टोन्स अपने मर्जी के भाई, अब मर्जी के मालिक हो, जितने चाहिए उतने ले लो। कॉबल स्टोन से भी काम बन सकता है, किसी भी स्टोन ले लो कुछ ये, और डर्ट भी ले सकते हो। और अभी भाई आपको चाहिए डिस्पेंसर और कोई भी रैंडम ब्लॉक्स, रैंडम स्लैब्स और ये भाई बटन कौन सा भी ले सकते हो, बटन लेना है बस। अभी रेड स्टोन डस्ट लेना पड़ेगा आपको, और फिर हॉपर लेना पड़ेगा, और फिर चेस्ट। भाई चेस्ट ज़रूरी है ना, किस में लोगे फिर, और बहुत सारे बकेट्स। अगर आप सर्वाइवल बना रहे हो तो आपको बहुत सारे बकेट्स लगेंगे, और माइनक्राफ्ट क्रिएटिव में हूँ मैं अभी, तो इधर चलता है। चलो अभी क्या करते हैं भाई, डल्स भी चाहिए होंगे, डल्स भाई किस पे ऊपर खेती करेंगे, और साथ ही में आपको कौन से भी हुई चाहिए होगी, बस खनन कैसे करेंगे भाई बिना, तो हुई तो चाहिए भाई, क्या होश लग रहा है भाई। देखो हुई हुई मैं तो भाई ये ले लेता हूँ, ओके डायमंड की हुई इज ग्रेट। ओके आप कौन सा भी, मतलब अब फैलाना चाहते हो आप, ओके फैलाना चाहते हो तो कैसे करेंगे, वन मैं 11 लूँगा ब्लॉक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इतना इतना बड़ा होगा, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ओके इधर 8 ब्लॉक तक लेना है, मतलब जितना पानी जाने वाला है ना, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के रूप में। तो देखो इधर से देखो, इधर से मैं इधर डाल के देख रहा हूँ, ओके तो कितने ब्लॉक्स अगर जाएगा देखते हैं, इधर तक जा रहा है, ओके इधर तक जा रहा है पानी हमारा, तो इधर मैं इसको ऐसे करके ब्लॉक कर देता हूँ, तो इधर से लेकर उधर तक कितने ब्लॉक्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 ब्लॉक्स, 7 ब्लॉक्स के इधर तक करना है, फिर इधर के बाद डिक कर देना है और हो जाएगा काम ना। तो मैं इधर से फंटाक्स लिख ली, 8 ब्लॉक ऐसे कर लेता हूँ इधर से, ना 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 हो रहा है क्या कुछ, अब भाई हो गया बराबर फैब, चलो कोई बात नहीं, छोटा बढ़िया हो सकता है कोई भी। और ये हमको 8 ब्लॉक लेने हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो चुके हैं, और ऐसे करना है आपको सिंपल से। हो गया, तो ये 8 ब्लॉक्स हो चुके हैं, अभी इसके ऊपर आपको ये डल्स बिछा देने हैं। सिंपल यार, सिंपल क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत सिंपल है फार्म बनाना। और मैं क्या कर लेता हूँ, इधर आपको डिस्पेंसर ऐसे रखना है, और आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिस्पेंसर लगने वाले हैं, अगर आप 10 पे करोगे तो। और जितनी मतलब जितनी जो इधर है ना लंबाई, उतनी कर सकते हो आप, कोई गल नहीं है भाई, ठीक है ओके। और ये मतलब इधर कोई भी ना, ये इधर फसल हमारी बाहर ना जाए, और पानी का कोई पानी बाहर ना आए, इसलिए कर रहा हूँ मैं। और ये देखो भाई क्या हो रहा है भाई अचानक से, और इधर तक हमको ऐसे कवर कर देना है, सिंपल सिंपल सिंपल, चलो 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 चलो, ओके हो गया, ये कवर करना है। फिर जाके हमको इधर पीछे आना है, और पीछे आकर इसके इधर देख सकते हो आप, इसके पीछे से बिछा देने हैं। और फिर क्या करना है, सिंपल से ऐसे बैठ कर इधर दे दो भाई इधर, ओके तो इधर हमको बटन बिछाना है, तो दोस्त इधर बटन आपको बिछाना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी है यार, क्या कर सकते हो। तो इधर बटन देखो, इधर तो बटन नहीं हो सकता भाई, रुको ऐसे करोगे बटन बिछ चुका है, और अगर आप इसमें डालोगे, अबे यार क्या हो रहा है यार, रुको, अबे यार ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, इधर ऐसे करके ऐसे डालोगे तो देखो, इधर जैसे मैं बटन दबाता हूँ ना, तो देखो क्या होता है,
देखो पानी, और ये देखो ये नीचे जा रहा है। अगर आप इधर ब्लॉक बिछाते तो ये नीचे नहीं जाता, तो ये मतलब सक्सेसफुल वर्क करेगा। तो आपको जैसे कि मैंने इधर पानी गए है, तो इधर इधर पानी आपको रखना है इनके अंदर सारे के। भाई 7 ब्लॉक तक हमको लेके जाना है, 2 हाइट तक और 7 ब्लॉक तक भाई ऐसे करके। तो मैंने दोनों तरफ से इधर लगा दिए है और इसके बीच में हमको लगा देने हैं डल्स इस तरह, आप जैसे कि देख रहे हो भाई। और ये भाई बकरी देखो भाई कैसे आ रही है, इधर से निकल जाओ भाई। देखो ना यार परेशान करके रखा है यार, क्या ये मतलब। अभी क्या है, इस फावड़े का यूज़ करना है आपको और इधर खेतीबाड़ी करनी है भाई, करो। अभी यूज़ आने वाला है अपने बकेट्स का, पानी बकेट्स का, क्योंकि ये देख सकते हो अभी कैसी हो रही है फसल, ऐसे करके सारी फसल ख़राब हो जाएगी। तो क्या करना है आपको, इधर से मैं भाई अभी बकेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी पानी वाली भर की बकेट। ये हमारे भर वाले बकेट इधर दे दो भाई, और इधर हमको लगाना है बकेट, और मैं जितना चाहिए उतना लगा सकते हो आप ऐसे करके पानी की बकेट। अभी सीधा अभी पानी की बकेट के हम हो चुका है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है वो है इस ब्लॉक्स का, क्योंकि भाई अगर फसल लेंगे हम तो ये जो है वो बीज नहीं तो सीड जो होते हैं वो इधर ही भाई इस पानी में ही अटके रह जाएंगे। इसके वजह से हमको ये स्लैब्स लगाने पड़ेंगे और ये डेकोरेशन के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा वैसे करके, और इससे कुछ भी नहीं होगा भाई और अच्छा भी लगेगा यार। पानी डालने से हमारी फसल बहुत अच्छी हो गई है, देख सकते हो काला काला हो गया है। और इधर हमें सीड्स डालने हैं बस बेसिकली, और एक अभी उगेगा। तो मैंने बोन मिल से फसल उगा दी है और एक देखो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर अभी मैं इधर बटन जैसे दबाता हूँ सारी फसल इधर हमारे इकट्ठा हो जाएगी एक मिनट में, बस चेस्ट के अंदर हो जाएगी। और क्या हो रहा है भाई ये, ओके अभी हॉपर में जा रही है बराबर कर रहा है, बस जरा सा कुछ करना पड़ेगा हमको। क्या हो गया घाटा, मुझे ज़रा सा बंद करने दो यार बटन, ये कुछ तो हो गया है इधर, बहुत बड़ा लोचा हो गया है। और इधर देखो ये भाई क्या है भाई, चेस्ट खूब बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बट कुछ सीड्स बाहर गए मुझे ना चेस्ट निकालने पड़ेंगे। और इधर ना हॉपर बराबर रखूँगा इधर, अभी मुझे इस चेस्ट मतलब इस हॉपर को इन चेस्ट से हमको अटैच करना है, बस हो जाएगा अभी, ये ठीक ठाक है ओके। अभी दिखाता हूँ मैं क्या होने वाला है इधर से सीड। अभी मुझे भाई इधर देख सकते हो सीड्स ऊपर निकल रहे हैं, तो मुझे क्या करना है इधर स्लैब लगाने पड़ेंगे। अरे क्या हो रहा है भाई, इधर बैठ के अच्छे से लगा दूंगा और ऐसे लग करके इधर आपको डेकोरेशन के लिए भी। इस टाइम फॉर टेस्टिंग, और इधर मैंने बटन दबा दिया है और सारी फसल जाती हुई हॉपर में, और इसी तरह आ गई है फसल हमारी हॉपर में। और इधर मुझे इधर लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई फसल बाहर ना जाए, और इधर देख सकते हो और इधर बाहर नहीं जाएगी। और अभी देखो ये भाई ये मकड़ी क्यों है, इसको हटाना पड़ेगा यार, इधर से क्यों आ रही है, बिन काम का परेशान करने आ गया, निकल यहाँ से, किधर से आती है। अभी ये बंद कर देता हूँ मैं सिंपल से, इधर वाटर के थ्रू आ रही है, वाटर के अट्रैक्ट होके कुछ मुझे नहीं पता यार, आई डोंट नो। और इधर देख सकते हो सही से वर्क कर रहा है, हॉपर में होगा वीट नहीं होगा, ये सीड क्यों जमा हो रहा है पता नहीं, बट ये देखो हॉपर में 41 है ये वीट्स और इधर 30। तो हमारा वीट ऑटोमेटिक मशीन हो चुका है पूरा का पूरा रेडी। और आप भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको ट्यूटोरियल वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो भाई ये माइनक्राफ्ट के ट्यूटोरियल वीडियो है, और आप सर्वाइवल सीरीज भी देख सकते हो चैनल में जाके। और भाई टाटा बाय बाय, अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।